हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। आज कांग्रेस ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मनोहर सरकार पर जमकर वार किए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने सीएजी रिपोर्ट यानी कि कैग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बीजेपी सरकार को घेरा। सैलजा ने कहा कि अवैध खनन के मुद्दे पर सीएजी रिपोर्ट ने सीधे सरकार के कामकाज पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी मनोहर सरकार पर राजस्व को चूना लगाने के गंभीर आरोप लगाए और कहा कि राज्य सरकार की मिलीभगत से ठेकेदार खनिजों का दोहन कर रहे हैं। और ज्वलंत मुद्दा है वो है हमारे हरियाणा में अवैध खनन का। इसका नोटिस भी मैंने पार्लियामेंट में दिया, लेकिन आप जानते हैं कि कई बार मुद्दा उठाने में इतनी आसानी नहीं होती हाउस में। तो अवैध खनन की ऐसी बात है जो मीडिया में वाइडली रिपोर्ट हुआ है, और वो इसलिए हुआ है क्योंकि ये तथ्यों पर आधारित है। सीएजी की रिपोर्ट जो आई, अब सीएजी की रिपोर्ट कोई ऐसे नहीं आती, वो हर एक बात को बड़ी बारीकी से गहराई से देखते हैं। सीएजी रिपोर्ट्स ने तो एक समय में हमारी सरकार के खिलाफ इतना कुछ कहा था और वो बड़ा मुद्दा बना एक समय में जाकर, लेकिन यहाँ हरियाणा में सीएजी की रिपोर्ट आई है अवैध खनन के बारे में, और कितना हरियाणा सरकार को, हरियाणा सरकार का मतलब है हरियाणा की जनता को, जो हजारों हजारों करोड़ों रुपए का चूना लगा है, इतनी मेहरबानी से देख रहे हैं इस सारे मुद्दे को कि आज तक हमारे सामने कोई भी बात नहीं आई है कि जहां पर सरकार ने इस इतने बड़े माफिया के खिलाफ कोई भी कार्रवाई की हो, कोई ठोस कार्रवाई सामने करके दिखाई हो हरियाणा की जनता। अब इसमें सवाल कई उठते हैं, तथ्यों पर हम अभी आएंगे एग्जैक्ट। इसमें सवाल कई उठते हैं कि क्या सरकार अनभिज्ञ है, सरकार को मालूम ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो रहा है जो सीएजी ने पकड़ लिया। रिपोर्ट के जो आपने रिपोर्ट भी किया है, पर वो महत्वपूर्ण है, कैग रिपोर्ट के मुताबिक खट्टर सरकार ने 31 मार्च 2018 तक ठेकेदारों से 1476 करोड़ रुपया वसूल ना करके सरकार के खजाने को चूना लगाया, 1476 करोड़। यह आपने रिपोर्ट भी किया। इसमें सबसे बड़ा घोटाला यह है कि खट्टर सरकार की नाक के नीचे खनन ठेकेदार दुगने खनिज क्षेत्र, आपतित जितना हुआ उससे दुगने खनिज क्षेत्र में खनिजों का दोहन करते पाए गए। यहां तक कि गैर कानूनी खनन के चलते नदी के बहाव का मुंह मोड़ दिया गया और तटबंध की, नदी के तटबंध की सीमा पूरी तरह से बदल दी गई।